Hello students, I hope you all are doing well and very fine. So I am Manisha Pandit and today I am dealing with the topic bacterial infection causing skin disorders. ठीक है. So basically what happens, gram positive staphylococcus aureus or beta hemolytic streptococci, these are the main cause of bacterial infection that lead to skin disorders. ठीक है. सो फर्स्ट वी विल डील सेल्यूलाइटिस. व्हाट इज सेल्यूलाइटिस? इट इज डिफ्यूज एक्यूट स्ट्रेप्टोकोकल और स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन ऑफ द स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू. ठीक है. सब स्ट्रेप्टोकोकल और स्टेफाइलोकोकस क्या है? ये दोनों काइंड ऑफ बैक्टीरिया है दैट लीड टू इन्फेक्शन ऑफ द स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू. सो This was the definition and now cause caused by bacteria like Streptococcus and Staphylococcus aureus. ठीक है. aureus, what is aureus? This is the strain of Staphylococcus. So next is result from break in the skin. As soon as bacteria invade the skin layer, resulting in break in the skin surface. ठीक है. नेक्स्ट इन्फेक्शन रैपिडली स्प्रेड थ्रू लिम्फैटिक सिस्टम. और फिर जैसे ही इन्वेजन होता है, ब्रेक डाउन होता है स्किन का, उसके बाद क्या होता है, बैक्टीरिया का रैपिड स्प्रेड होता है थ्रू आर लिम्फैटिक सिस्टम. व्हाट इज लिम्फैटिक सिस्टम? इज द सेम चैनल एज आर सर्कुलेटरी सिस्टम बट इट कंटेन लिम्फ एंड लिम्फ नोड. ठीक है. सो पैथोफिजियोलॉजी जो है इसका वो मोस्ट कॉमन है. कॉमन इन द सेंस आप सेलुलाइटिस में भी यूज़ कर सकते हो, फ्रंकल में भी यूज़ कर सकते हो, कार्बंकल में भी यूज़ कर सकते हो. जहाँ जहाँ आईटीज वाले वर्ड्स आ रहे हैं, आईटीज मीन्स इन्फ्लामेशन वाले वर्ड्स आ रहे हैं, वहाँ ये पैथोफिजियोलॉजी जनरली यूज़ हो सकता है. ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि हम अगर इसको सेलुलाइटिस में पढ़ रहे हैं ये पैथोफिजियोलॉजी को तो वही होगा, हम इसको दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी डाल सकते हैं. ठीक है. Now this is the pathophysiology of bacterial infection. What happens when bacteria infection occur? Mostly arises from hair follicle, and you know well, you all are well aware about the hair follicle structure, so I don't go with that. So next is bacterial accumulation and grow. Bacteria accumulate होते हैं, grow होते हैं, causes to localized infection. This lead to localized infection होता है. Then sometime bacteria invade deeper टिश्यू. ठीक है. कभी कभी क्या होता है और डीपली टिश्यूज़ में चले जाते हैं. सो वी विल डिस्कस इट फर्दर व्हाट इट लीड्स टू. देन उसके बाद क्या होता है, सिस्टमिक इन्फेक्शन हो जाएगा. फिर ये कहीं पे भी हमारी बॉडी में किसी भी टाइप से इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं. सो दिस इज़ द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन विच बैक्टीरिया फॉलो ड्यूरिंग द इन्वेजन इन साइड द बॉडी. ठीक है. So this was the pathophysiology and next is sign and symptoms. For sign and symptoms, there is tender, red, hot, indurated and swollen area that is well demarcated. ठीक है. टेंडर होगा, रेड हॉट, स्वेलन एरिया हो जाएगा जिसको हम अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है. देन है पॉसिबल फ्लक्चुएंट एब्सेस और पुरुलेंट ड्रेनेज. After some time of invasion of bacteria, there is formation of pus or abscess. This leads to drainage. ठीक है. pus formation होगा, abscess formation होगा, और फिर जब काफ़ी time हो जाएगा तो वो क्या होगा, drain होना start हो जाएगा. ठीक है. फिर fevers होगा, chills होगा, malaise आएंगे. ठीक है. This is the example of cellulitis. ठीक है. देखिए, दिस इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सेलुलाइटिस. यहाँ पे क्या हो गया, रेडनेस हो गया, टेंडरनेस होगा. व्हेन वी टच इट, इट फील्स लाइक अ हार्ड सब्सटेंस विथ पेन. ठीक है. डिफरेंस इन पेन एंड टेंडरनेस इज दैट. ठीक है. नेक्स्ट मैनेजमेंट, व्हाट वी कैन डू फॉर द मैनेजमेंट. ओरल एंटीबायोटिक्स वी कैन गिव टू द पेशेंट. नेक्स्ट पेरेंटल और सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स फॉर हैंड, फेस और लिम्फेटिक स्प्रेड, ये भी दे सकते हैं हम लोग. देन उसके बाद लास्टली जो ऑप्शन होता है वो सर्जिकल ड्रेनेज एंड डेब्रिडमेंट होता है. ठीक है. सर्जिकल ड्रेनेज करेंगे, डेब्रिडमेंट करेंगे. दिस वॉज द लास्ट एंड फाइनल मैनेजमेंट ऑफ
सेलुलाइटिस। ठीक, नेक्स्ट है फरंकुलोसिस। फरंकुलोसिस क्या होता है? इट इज़ एन एक्यूट पेनफुल इन्फेक्शन ऑफ पेरीफॉलिकल एब्सेस और बॉयल्स। बॉयल्स जानते होंगे हम लोग, हिंदी में इसको बाल तोड़ बोलते हैं। ठीक है, सो कभी कभी क्या होता है, बाल तोड़ अगर हो जाता है तो वो बहुत पेनफुल इन्फेक्शन होता है और लीड्स टू एब्सेस फॉर्मेशन। ठीक है, इट इज़ एन एक्यूट लोकलाइज्ड डीप सीटेड रेड हॉट वेरी टेंडर इन्फ्लामेटरी पेरीफॉलिकुलर एब्सेस। ठीक, नेक्स्ट कॉज्ड बाय कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज स्टाफाइलोकोकस ऑरियस। ओके, नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमन और पर्सन हु आर बैरियर कैरियर ऑफ स्टाफाइलोकोकस कॉन्टैक्ट विथ ऑयल्स और ग्रीस, डायबिटीज, पुअर हैबिट ऑफ पर्सन हाइजीन, इम्यूनोसप्रेशंस, अल्कोहलिज्म और ओबीस, माल न्यूट्रिट एक्सेट्रा। दीज आर द पर्सन दैट आर इन वेरी हाई रिस्क ऑफ फरंकुलोसिस। ठीक है, नेक्स्ट इज द लीजन बिगेन इन द ओपनिंग ऑफ हेयर फॉलिकल और सेबेशियस ग्लैंड। जैसे ही हेयर फॉलिकल ओपन होता है या फिर सेबेशियस ग्लैंड ओपन होता है, दैट लीड्स टू द एंट्री ऑफ बैक्टीरिया एंड कॉजेज इन्फेक्शन। ठीक है, एंड दैट लीड्स टू लीजन, इसकी वजह से फिर लीजन बनना स्टार्ट हो जाता है। और मोस्ट कॉमन साइट क्या है? बैक ऑफ द नेक, फेस है, बटक्स है, थाई, पेरिनियम एरिया, ब्रेस्ट, एक्जिला, नोज, जेनिटेलिया, ये सारी क्या है? मोस्ट कॉमन साइट है फरंकुलोसिस के लिए। ठीक है, दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ फरंकुलोसिस। यू कैन सी दिस इज इन द ऑन द नेक, बैक साइड ऑफ द नेक। ठीक है, देन साइन एंड सिम्टम्स। इट इज़ हार्ड नोड्यूल इनिशियली देन फ्लक्चुएंट एब्सेस। पहले तो ये बहुत हार्ड नोड्यूल जैसा रहता है, उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाएगा, फ्लक्चुएंट हो जाएगा, मीन्स एब्सेस फॉर्म में, मतलब मवाद बन जाएगा, पक जाएगा ये। विथ सेंट्रली येल्लो पस्टूल, सेंट्रल पस्टूल रहेगा, मीन्स येल्लो जो पस है वो हमको बीच में दिखेगा येल्लो कलर का। देन रप्चर इन टू एन अल्सर, और जब ये रप्चर होता है तो इट बिकम एन अल्सर, एक छाले जैसा हो जाता है वो। ठीक है, देन नेक्स्ट है इट कैन बी आइसोलेटेड सिंगल लीजन और फ्यू मल्टीपल लीजन। ये सिंगल भी हो सकता है और मल्टीपल लीजन्स भी हो सकता है। ठीक है, हॉटनेस एंड पेन एट द साइट मोस्ट कॉमन सिम्टम है इसका। देन हाउ कैन वी डायग्नोस इट? वी कैन डायग्नोस इट फ्रॉम ग्राम स्टेनिंग ऑफ द पर्स। पर्स का कल्चर करेंगे, ग्राम स्टेनिंग करेंगे। ठीक है, ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं इफ़ देयर इज एनी इन्फेक्शन इन सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट। वार्म कंप्रेशन देंगे, वार्न पेशेंट नॉट टू स्क्वीज और इंसाइज द लीजन। ठीक है, हमको पेशेंट को स्ट्रिक्टली वार्न करना है कि आपको बिल्कुल उसे स्क्वीज नहीं करना है और इंसाइज नहीं करना है लीजन को। ठीक है, इंसीजन एंड ड्रेनेज व्हेन इट इज़ फ्लक्चुएंट। ठीक है, इंसाइज करेंगे, ड्रेनेज करेंगे, कब करेंगे? जब ये फ्लक्चुएंट हो जाएगा। फ्लक्चुएंट मीन्स जब वो थोड़ा पक जाएगा, स्मूथ, मतलब थोड़ा सा हिलने डुलने लगेगा। ठीक है, देन उसके बाद सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स देना है, क्लॉक्सिसिलिन एंड एरिथ्रोमाइसिन, रेस्ट स्पेशली फॉर जेनिटल एरियाज। जेनिटल एरिया में अगर हुआ है तो रेस्ट हमको देना है पेशेंट को। ठीक है, देन फॉर द सीवियर पेन कोडेन एंड मॉर्फिन कैन बी गिवन टू द पेशेंट। नेक्स्ट इज कार्बंकल। ठीक है, कार्बंकल क्या होता है? मल्टीपल फरंकल को कार्बंकल बोलते हैं। इज़ एन एग्रीगेशन ऑफ इंटरकनेक्टेड फरंकल्स दैट ड्रेन थ्रू मल्टीपल ओपनिंग इन द स्किन। ठीक है, अगर फरंकल बहुत सारे अगर हो गए हैं, मल्टीपल केसेस हैं, मल्टीपल हो गए हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बंकल बोलेंगे। एक्सपोजर टू ग्रीस और ऑयल इंक्रीज द रिस्क। अगर ग्रीस है या फिर ऑयल के एक्सपोज में आ रहे हैं, मतलब कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, तो रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए हमको कोशिश करना है कि इसको क्लीन रखें हम लोग। ठीक है, अगर मोस्टली वेयर द स्किन इज थिक, ऐसे जगहों पे ज़्यादा होता है जहाँ पे स्किन ठीक हो गया है। ठीक है, और मोस्ट कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर स्टाफाइलोकोकस ओरियस। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं? साइट आर बैक ऑफ नेक, शोल्डर, बटक्स,
आउटर एस्पेक्ट ऑफ द थाई, ठीक है, आउटर एस्पेक्ट ऑफ द थाई मीन्स हाँ बाहर के साइड वाला एरिया, ठीक है, बहुत थिक होता है, ओवर द हिप जॉइंट्स, हिप जॉइंट्स के पास भी जहाँ एरिया बहुत थिक होंगे, स्किन बहुत थिक होंगी, वहाँ पे कार्बंकल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है. सो डीप डेवलप स्लोली देन फरंकल, ठीक है, ये फरंकल से धीरे डेवलप होता है, मींस कार्बंकल जो है वो स्लो ग्रोथ होता है इसका एज़ कम्पेयर टू फरंकल, ठीक है. दे कैन रिच द साइज ऑफ एन एग और स्मॉल ऑरेंज, ठीक है, एक स्मॉल ऑरेंज या फिर एग के साइज तक भी बड़ा हो सकता है. कॉमन सिम्टम्स हैं इसके फीवर, चिल्स, एक्सट्रीम पेन होगा, मलास होगा, एंड बिकॉज ऑफ लार्ज साइज ऑफ द लीजन एंड इट्स डिलेड ड्रेनेज द पेशेंट इज मच सीकर, ठीक है, इसका ड्रेनेज बहुत ज़्यादा लेट होता है. ड्रेनेज लेट क्यों करना है, जब तक फ्लक्चुएंट नहीं होगा तब तक ड्रेनेज नहीं परफॉर्म किया जाता है, ठीक है. सो अब जैसे कि ये फरंकल से बहुत स्लो डेवलप हो रहा है तो इसको डेवलप होने में बहुत टाइम लगेगा, फ्लक्चुएंट होने में बहुत टाइम लगेगा, तब तक पेशेंट बहुत ही पेन, बहुत ही सफ़र कर बहुत ज़्यादा सफ़र करता है, इसलिए बोला गया है कि डिलेड ड्रेनेज द पेशेंट इज मस्ट सिकर, पेशेंट अपने आप को बहुत ज़्यादा बीमार फील करने लगता है, ठीक है. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कार्बंकल. देन डायग्नोसिस सेम एज फरंकल सेल्यूलाइटिस, वी कैन डायग्नोस इट ग्राम स्टेन ऑफ द पस, कल्चर ऑफ द पस एंड ल्यूकोसाइटोसिस. अब यहाँ पे क्या होगा, जो ल्यूकोसाइट्स है उसका नॉर्मल से हाई हो जाता है, मींस जब भी हमको किसी भी टाइप का इन्फेक्शन होता है तो ऑब्वियसली बात है WBC जो है हमारा ल्यूकोसाइट्स है वो हमारा बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है. तो यहाँ नॉर्मल WBC रेंज कितना, ल्यूकोसाइट का रेंज कितना है, 4000 to 10000 mm³, ठीक है, लेकिन ये होने के बाद कार्बंकल होने के बाद 12000 to 20000 mm³ भी हो सकता है, ठीक है. सो नेक्स्ट ट्रीटमेंट क्या है इसका, सेम एज फरंकल, फरंकल की तरह है, सेम है, बस इसमें ये करना है कि अवॉइड फ्रिक्शन एंड इरिटेशन फ्रॉम टाइट क्लोथिंग्स, ठीक है, टाइट क्लोथिंग से हमको फ्रिक्शन और इरिटेशन अवॉइड करना है. नेक्स्ट है फॉलिकुलाइटिस. फॉलिकुलाइटिस क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ द हेयर फॉलिकल. हेयर फॉलिकल का अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है दिस इज़ कॉल्ड फॉलिकुलाइटिस, ठीक है. साइन सिम्टम्स क्या होंगे, सिंगल और मल्टीपल पैप्यूल्स और पस्टल कैन बी फॉर्म, कॉमनली सीन इन बियर्ड एरिया ऑफ मैन एंड वुमेन लेग फ्रॉम शेविंग. जहाँ शेविंग की जाती है वहाँ जनरली इसको देखा जाता है, ठीक है. सो मैन का जो बियर्ड एरिया है वहाँ पे हुआ है होगा और वुमेंस का लेग में होता है, ठीक है. सो दीज आर द कॉमन एरिया वेयर वी कैन सी फॉलिकुलाइटिस. देन नेक्स्ट इज मैनेजमेंट, सेम वार्म कंप्रेशन देंगे पेन रिलीफ करने के लिए, क्लीन करना है एंटीबैक्टीरियल सोप से, टॉपिकल एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट यूज़ करना है, सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स फॉर रिकरेंट केसेस. अगर रिकरेंट वापस से फिर से अगर हो जा रहा है फॉलिकुलाइटिस तो हम लोग क्या करेंगे, सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है. यू कैन सी द फरंकल, एग्जाम्पल ऑफ फरंकल, बियर्ड एरिया ऑफ मैन, ठीक है. इम्पेटिगो, नेक्स्ट इज इम्पेटिगो. वॉट इज इम्पेटिगो, इट इज एन एक्यूट कंटाजियस रैपिडली स्प्रेडिंग क्यूटेनियस इन्फेक्शन एंड इज वेरी कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द सुपरफिशियल स्किन, ठीक है. ये क्या है, एक्यूट होता है, कंटाजियस मीन्स स्प्रेड होने वाला, ठीक है, स्प्रेड होता है, रैपिडली स्प्रेडिंग बहुत जल्दी जल्दी फैलता है. कंटाजियस मीन्स कैन स्प्रेड फ्रॉम विथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है. नेक्स्ट इट इज़ वेरी कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द सुपरफिशियल स्किन. कॉमनली सुपर इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का, ठीक है. कॉजेटिव एजेंट और स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और बीटा हेमोलाइटिक स्टेप्टोकोकस, बीटा हेमोलाइटिक स्टेप्टोकोकस और बोथ, ठीक है. साइन सिम्टम्स क्या है इसका, सुपरफिशियल पस्टुल फॉर्म होगा और ब्लिस्टर विच बिकम ऊजिंग विथ येलो क्रस्ट, ठीक है. पस्टुल्स बनेंगे और धीरे धीरे वो ऊज होना स्टार्ट करेंगे विथ येलो क्रस्ट. नेक्स्ट है कंटाजियस रहेगा, ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड होगा. देन ब्लिस्टर ब्रेक ईजिली एंड फॉर्म गोल्डन क्रस्ट. ब्लिस्टर बहुत जल्दी ईजिली ब्रेक हो जाता है और क्या होता है, क्रस्ट, गोल्डन क्रस्ट के फॉर्म में फॉर्मेशन करता है, ठीक है. डायग्नोसिस कल्चर एंड सेंसिटिविटी करेंगे, ठीक है. दिस इज
एम्पेड को, ठीक है, गोल्डन कलर का हो जाता है ये, इसलिए मैनेजमेंट क्या करना है इसका, KMnO4 पोटेशियम पर मैगनेट बाथ और वेट ड्रेसिंग इज माइल्ड इन माइल्ड फॉर्म्स, ठीक है, अगर माइल्ड है तो पोटेशियम पर मैगनेट बाथ देंगे, देन प्रिवेंट स्प्रेडिंग बाय नॉट शेयरिंग टवेल और एन ऑइंटमेंट, चेंज क्लोथ्स टवेल एंड शीट फ्रिक्वेंटली, ठीक है, कंटाजियस है तो हमको क्या है जो भी पर्सनल चीज़ें हैं लाइक टॉवल हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, ये सबको हमको क्या करना है, शेयर नहीं करना है दूसरे पेशेंट के साथ या फिर दूसरे घर वालों के साथ, सो दैट ये स्प्रेड ना हो, प्रिवेंट हो जाए। क्लोथ्स है, टॉवल है, शीट्स है, ये सब चीज़ों को क्या करना है, फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहना है। नेक्स्ट, इन सीवियर फॉर्म गिव क्लोक्सासिलीन 250-500 mg OID, ठीक है, वंस अ डे वन देना है क्लोक्सासिलीन अप टू 7 to 10 days तक एडल्ट में, और 50-100 mg पर kg पर 12 hours डिवाइडिंग इनटू 4 doses फॉर द चिल्ड्रन, ठीक है। एरिथ्रोमाइसिन 250-500 mg 4 times डेली फॉर 7 to 10 days इन एडल्ट एंड 25-50 mg पर kg पर 24 hours डिवाइडेड इनटू 4 doses फॉर द चिल्ड्रन, ठीक है। कट फिंगर नेल्स शॉर्ट टू मिनिमाइज डैमेज टू लीजन एंड टू प्रिवेंट एंटी ऑइंक्यूलेशन फ्रॉम स्क्रैचिंग, ठीक है। क्या करना है, जो विशियस सर्कल हम लोग पढ़े थे पहले, कैसे एक विशियस सर्कल फॉलो होता है, तो उस विशियस सर्कल को रोकने के लिए हमको क्या करना है, अगर बच्चा है तो बच्चे के क्या करना है, नेल्स कट कर देना, सो दैट स्क्रैचिंग बार बार ना करें, और जो पस्ट्यूल है, जो भी ब्लिस्टर्स है, वो फिर ब्रेकआउट होकर के फिर से वो स्प्रेड ना हो दूसरे एरियाज में, ठीक है। नेक्स्ट, सो फॉर टुडे दिस इज़ ऑल अबाउट, आई होप यू ऑल गाइज अंडरस्टैंड दिस, अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ठीक है, थैंक यू।